हालेलुया। विशिप जी इनकी बहुत बड़ी गवाही है और बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा का अटैक था इनके 7 साल से, और तांत्रिक को पास लेके गए, कोई आराम नहीं आया। पिछले चमत्कार चर्च में किसी ने बताया इनको, ये चमत्कार चर्च में आए और आपने इनके लिए प्रेयर करी और प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से चंगाई दी है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आओ इनकी हम गवाही को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ऊपर 7 सालों से दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। मैं कई तांत्रिक तो गई थी, फिर भी कोई आराम नहीं रहा। जब से मैं यहाँ चर्च में आई हूँ, आज मैं दूसरी बार चर्च में आई हूँ, तब से मुझे बिल्कुल आराम है। वीरवार को मेरी प्रार्थना में ना मुझे बहुत ही दुष्ट आत्मा ने परेशान किया था, जब हमने प्रार्थना करवाई अब मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। हालेलुया। तो कब से, कितने सालों से था? 7 सालों से दुष्ट आत्मा थी। तो आप चमत्कार चर्च में जब आए उसके बाद से आप ठीक हो? हाँ जी। और आज दूसरी बार आए हो? हाँ जी। पहली बार आए, पहली बार ठीक हो गए? हाँ जी। ये साथ में कौन है? ये मेरी बेटी है जी। तो आपकी बेटी को 7 सालों से दुष्ट आत्मा थी? हाँ जी, 7 साल से हो गई। तो मैं कई जगह लेके गया इसको जी, तो कई कभी 2 साल ठीक रहती थी, कभी 1 साल, कभी ऐसे मतलब की दिक्कत होती थी इसको। तो मतलब के तो फिर मैं, किसी ने मेरे को बताया, फिर मैं यहाँ पर लेके आया। तो आप दूसरी बार आई है यहाँ? पंजाब से आए हैं? हाँ जी, रामपुरा फूल से जी। ओके, हाँ जी। तो फिर आज दूसरी बार आए, जो हाँ पहली बार आई तो उसी दिन ठीक हो गई? हाँ जी, उसी दिन ठीक है। सो देखिए, तो वीरवार को 2 तारीख को इसको ज्यादा दुष्ट आत्मा ने परेशान किया, तो प्रार्थना करवाई थी यहीं से अपने फोन पे। हाँ जी, फोन पे जी। तो फिर ये 10 मिनट बाद, 10-15 मिनट के बाद ये बिल्कुल यानी के चंगी हो गई है। हालेलुया। तो इस बच्चे को 7 सालों से दुष्ट आत्मा का अटैक था और ये कई तांत्रिकों के पास भी गए लेकिन आराम नहीं आया। पिछली बार जब चमत्कार चर्च में आए और प्रभु यीशु मसीह की दया इन पर हुई और प्रभु यीशु मसीह ने उसे दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, जवान बच्ची है, और प्रभु यीशु जी ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। दुष्ट आत्माएं कई बार जो प्रकट हो जाती हैं तो पता चलता कि इस बच्चे पे है, लेकिन सिर्फ उस बच्चे पे नहीं होती बल्कि पूरे घर को वो खाती हैं दुष्ट आत्मा। उनकी कमाई को नुकसान करती हैं, उन्हें फेल करती हैं, उनकी हानि करती हैं दुष्ट आत्माएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा इस परिवार से बाहर निकली, इस घर से बाहर निकली, इस बच्चे के जीवन से बाहर निकली और ये इन्होंने आराम पाया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इनकी दूसरी गवाही है ये बिशप जी, इनके हाथ में गांठ थी पहली बार ये चमत्कार चर्च में आए और आपसे इन्होंने प्रेयर करवाई और वो गांठ निकल चुकी है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और दूसरी गवाही इनकी है, इनको बवासीर बहुत ज्यादा थी और दिक्कत आती थी, बहुत सारे दर्द भी होता था, प्रेयर करिए बिल्कुल ये ठीक है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। के नाम मेरे को ना बवासीर थी 2-3 साल से जी। ओके। ते के नाम मेरे को ना बहुत ज्यादा दर्द भी होता था, ते जब से मैं आज चर्च में आया हूँ, मेरे को तीसरी बार आते आ गया, तीसरी एतवार है मेरे को, ते आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ बवासीर से, कोई दिक्कत नहीं है। दो तीन साल से बवासीर थी। हाँ जी, कम से कम भी हो गए थे मेरे को 2-2.5 साल हो गए थे। okay. अब मेरे को आके बहुत ज्यादा परेशान हो गए। आप तीसरी बार चर्च में आए हो? तीसरी बार ही आया हूँ आज मैं। और बाबा सिर अब नहीं है? हाँ, अब नहीं है। बता रही हूँ किसने चंगा किया है? जी, यीशु मसीह जी ने चंगा किया। और जो गांठ थी है जी, वो हाथ में थी, वो भी यीशु मसीह जी ने चंगी की। हालेलुया। हाथ पर गांठ थी? हाँ जी जी। और उसकी थी खुजली गांठ, एलर्जी की गांठ थी, इतनी मोटी जी, ये बिल्कुल अब प्लेन हो गई है। मैं कितनी मोटी थी? इतनी मोटी गांठ थी जी अभी यहाँ पे। अब बिल्कुल प्लेन हो गई उंगली, अब नहीं है गांठ। अब नहीं है, अब okay. तो उंगली पर गांठ थी और अब गांठ नहीं है। पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया।